जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल RK मैथमेटिक्स एंड साइंस सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं झारखंड का अपडेट जूनियर क्लर्क JSSC आया है एक फॉर्म। देखिए हम लोग सर्च करेंगे jharupdate.com तो आ जाएगा यहाँ पे JSSC जूनियर क्लर्क। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। इसका कुल पोस्ट है, टोटल पोस्ट 991 पोस्ट है। ये क्या चीज़ का पोस्ट है? जूनियर क्लर्क है ना, इसमें मतलब समझिए कि एक जूनियर तरह का ऑपरेटर रहता है। अप्लाइंग डेट 27 मई से कितना तक? 26 जून तक डेट है, यानी कि 1 मंथ। इसमें तीन तरह का वैकेंसी डिटेल है, जैसे जूनियर क्लर्क में 959 पोस्ट है दोस्तों, उसके बाद जूनियर क्लर्क में कितना पोस्ट है 959, उसके बाद स्टेनोग्राफर में 27, उसके बाद जूनियर क्लर्क में टोटल 5, यानी टोटल मिला के 991 पोस्ट है दोस्तों। देखिए जिसमें ओबीसी की टू के लिए 52 है, जनरल के लिए 400 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 62, और एसटी के लिए 255, 93 सबसे ज़्यादा पोस्ट है जनरल में, उसके बाद स्टेनोग्राफर में इतना पोस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितना है, 991 टोटल कितना है, 991 पोस्ट है दोस्तों। ठीक, टोटल पोस्ट 991। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट से ये फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग इंटर पास है वो लोग भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देखिए ओबीसी के लिए फ़ी है 100 रुपया, एसटीएससी के लिए 50 रुपया फ़ी है, ठीक है। एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम एज कितना चाहिए, 18 साल से, जिसका 18 साल वो भी लोग भर सकते हैं, और जिसका 18 साल से ऊपर है वो लोग भी भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30, यानी कि समझ लीजिए कि 40 साल तक जिसका है वो भर सकते हैं, जूनियर कलर का 10+2 जिसका है वो भर सकते हैं दोस्तों, ठीक। उसके बाद थोड़ा हम लोग ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, ऊपर थोड़ा सा स्टार्टिंग डेट देखिए कितना है, 27 मई, ठीक है, कितना 27 मई तक डेट है, ठीक है। स्टार्टिंग 27 मई से स्टार्ट है, ठीक, 27 मई से स्टार्ट है ये डेट 27 मई से, और लास्ट डेट कितना है, क्लोजिंग डेट कितना है दोस्तों, क्लोजिंग डेट 26 जून तक है। अब हम लोग जानेंगे अप्लाई कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल आएंगे क्योंकि हम लोग पास टाइम कम बचा हुआ है। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आवेदन करें, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, आर यू सिटीजन इंडिया, इंडियन सिटीजन यानी भारत से हैं, तो यस। उसके बाद पूछ रहा है कि लोकल रेसिडेंट, आप यहाँ पास झारखंड के रहने वाले हैं, तो हम झारखंड के हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जैसे यहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मान लीजिए हम लातेहार डिस्ट्रिक्ट से, तो लातेहार क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो है मेरा JHRC, ये आय का सर्टिफिकेट, आवासीय का सर्टिफिकेट नंबर है, तो हम सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर दर्ज कर देंगे। स्टार्टिंग में होता है JH से, क्योंकि झारखंड का वही होता है JH, है ना। उसके बाद डेट ऑफ इशू, यानी कि अथॉरिटीज़ कौन दिया, मान लीजिए मेरा CEO लेवल से बना हुआ है। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, 2019 के बाद का चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरा 2020 का था, 2020 क्लिक करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद 12 ये बना है, ठीक है, 12 अगस्त को मेरा बना था। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है मैट्रिक इंटर फ्रॉम अफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के कोई कॉलेज से पास हुए हैं, अगर यस झारखंड के स्कूल से पास हुए तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद लोकल लैंग्वेज पता है आपको, तो लोकल लैंग्वेज मेरा हम सबसे इंटरेस्ट खोटा है, तो खोटा हम रख लिए। उसके बाद कैटेगरी में हम लोग OBC 2 आते हैं, तो OBC 2 सेलेक्ट किए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, जो मेरा सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है दोस्तों, सर्टिफिकेट नंबर डाल लिए हम, जो सर्टिफिकेट नंबर है मेरा, सर्टिफिकेट नंबर 2020/8 इतना है ना सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद कौन अथॉरिटीज दिया है, मान लीजिए मेरा SDO तो बना, SDO कब बना है, तो ये डेट दे देंगे, जब कब भी डेट बना हुआ है, मान लीजिए 2020 में बना हुआ था 21 मई को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PH, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यानी कि विकलांग वगैरह, तो नहीं है तो नो करेंगे दोस्तों, हैं तो यस करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो हम नहीं हैं तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आप अंडर स्पोर्ट्स कोटा से रिलेट करते, बिलोंग करते, नहीं तो नो, यस ये तो ये, अगर हाँ है तो यस। उसके बाद हम लोग अप्लाई, देखिए यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंस है, देखिए रेगुलर में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाइक ब्लॉक जो वैकेंसी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बोथ है
यानी कि ST SC लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो हम लोग सिंपली किस में अप्लाई करेंगे, इसमें फर्स्ट वाले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे सभी लोग, ठीक है ओके। उसके बाद हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब पोस्ट प्रेफरेंस तो जैसे रखना है, हम सीरियल वाइज, हम जो हमको पसंद है तो सीरियल वाइज रख दिए दोस्तों, ठीक है ना। सीरियल वाइज करके हम सेलेक्ट कर लेंगे सारा पोस्ट को, सीरियल वाइज करके सारा पोस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे ओके दोस्तों। उसके बाद हम लोग सारा पोस्ट को सेलेक्ट करने दीजिए, एंड टोटल 10 पोस्ट है ठीक है, जो एक एक स्टेप में सारा डिवाइड में बचा हुआ है, ग्रेड ए ग्रेड बी इस तरह से बैठ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हम सारा पोस्ट को सेलेक्ट कर लिए एक एक करके। अब यहाँ पे नाम मेरा पूछा जा रहा है, तो मेरा जो नाम है वो लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ठीक, डेट ऑफ बर्थ जो है मेरा डाल देंगे 10 अक्टूबर 2002, मेल है तो मेल डाल देंगे, ईमेल आईडी जो है वो डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। ईमेल आईडी जो है, मान लीजिए मेरा जो ईमेल आईडी है वो डाल देंगे हम, ठीक। जो मेरा ईमेल आईडी है वो डाल दिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सारा स्मॉल में ईमेल आईडी जब भी डालेंगे फिल करेंगे तो स्मॉल में होगा, क्योंकि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल में रहता है। कंफर्म ईमेल आईडी भी डाल देना है आप लोग को, जो ईमेल आईडी होगा ठीक है, ठीक। जो ईमेल आईडी है ऊपर सो डाल दिए यहाँ पे 6778@gmail.com, ठीक दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो मोबाइल नंबर एक होगा ठीक है, मोबाइल नंबर ये मेरा है तो डाल देंगे मोबाइल नंबर ये डाल दिए। उसके बाद हम लोग कैप्चा को डिक्लेरेशन बॉक्स को क्लिक करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा ये कैपिटल में है सब कैप्चा, ठीक। उसके बाद ये, उसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन को नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 2002 है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ठीक है। उसके लॉगिन करने का ऑप्शन दिया, लॉगिन में हम लोग कॉपी कर लिया था तो इसलिए पेस्ट कर दिया, और डेट ऑफ बर्थ जो मेरा था वो डाल देंगे यहाँ पे ठीक है, 10 था। उसके बाद यहाँ पे जो था मेरा 81, उसके बाद 85, कैप्चा को फिल करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओपन होगा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पेज मेरा ओपन हो जाएगा, सारे डिटेल हम लोग चेक कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में 4 स्टेप है इसका, जिसका फर्स्ट और सेकंड स्टेप अभी क्लियर हो जाता है, बाकी जो स्टेप बचता है वो 24 आवर्स बाद क्लियर होता है ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सारा फिल करके, जो मेरे नाम है, फादर्स नेम मदर्स नेम जो है वो फिल कर लेंगे, आधार नंबर जो है वो फिल कर लेंगे, है ना, जो आधार नंबर है उसके बाद अनमैरिड तो अनमैरिड। अब मान लीजिए कि पहचान चिन्ह मोल ऑन अ फेस हम डाल देते हैं सिंपली, मोल यानी गाल में तिल है। एड्रेस में हम लोग डाल देंगे जो है मेरा एड्रेस है, जो एड्रेस ठीक। उसके बाद यहाँ पे झारखंड से हैं तो झारखंड डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मेरा जो था तो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को बता ही दिए थे, क्या था, लातेहर, क्या लातेहर, पिन कोड वहाँ का डाल देंगे, पिन कोड यहाँ का था 82902 दोस्तों। उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे, कितना फिल करते रहेंगे इसीलिए एड्रेस को सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक कौन सा स्कूल की है, तो मान लीजिए कि हिंदू प्लस टू है तो हिंदू प्लस टू डाल देंगे, हिंदू स्कूल से, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, कौन बोर्ड, तो जैक बोर्ड का। कितना परसेंट लाए, मान लीजिए कि आप ले आए 90%, अब कितना 90% लाए। अब देखिए पासिंग ईयर कब था, तो 2020 था मेरा, तो 2020 डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए,
2019 में मान लीजिए, 2019 2019। उसके बाद इंटर, इंटर कौन स्कूल से पास किए, तो हिंदू से ही, ठीक हिंदू। उसके बाद हिंदू स्कूल था, ठीक है दोस्तों हिंदू स्कूल। कौन सा बोर्ड, तो जैक बोर्ड। कब पास किए, मैं तो सीधा बता एजेंट। कब पास किए, मान लीजिए कितना परसेंट लाए, 89 मान लीजिए। कब पास किए, तो 2021 में, 2021 में पास किए, ठीक है दोस्त। डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करें, सेवन सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है आप देख सकते हैं, दो स्टेप क्लियर हो गया है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल। सेकंड स्टेप क्या है, पेमेंट, ठीक है। हम लोग का ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ है जी, ये 24 आवर्स बाद कंप्लीट होगा। आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना पेमेंट करना है। तो OBC के लिए 100 रुपये पेमेंट करना है, रेमोंड टू पे। कितना घंटा बाद पेमेंट होगा, तो 24 आवर्स बाद, यहाँ डिटेल देखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या चाहिए हमारा, फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू डिटेल में फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे हम लोग, ताकि हमारा फ्यूचर्स में काम देगा दोस्तों। तो यहाँ तक हम सेकेंड स्टेप तक, लास्ट में जो भी स्टेप है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, जो इसमें पेमेंट करना है, फोटो साइन अपलोड करना है। तो हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।